वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई तआवुन तंजीम के मेहमानों के एजाज़ में इशाइया दिया है। इशाइये में आमद पर खुद वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस वक्त हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद से। एजाज़, कैसा जा रहा है ये इशाइया? मेहमानों का इस्तकबाल तो हमने देखा, उसके बाद क्या अपडेट्स मिली हैं? जी बिल्कुल, मेहमानों के लिए खसूसी इशाइये का एहतमाम किया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और इस इशाइये में तमाम मेहमान शरीक हुए हैं। फर्दन फर्दन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मेहमानों से मुलाकात की, और ज़्यादा नज़रें तमाम मेहमानों के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के हवाले से भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हमारे वज़ीर आज़म से वो उस पर थी, और देखा सबने कि मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, थोड़ी बातचीत भी हुई। इस वक्त जोहराना इशाइया जो है वो जारी है, वज़ीर आज़म बनफ्से नफीस वहां पर मौजूद हैं, और हमें जो अभी तक बताया गया है कि साइडलाइंस पर भी इस इशाइये के दौरान भी कुछ जो सरबराहान ममलकत हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद हैं उनसे वज़ीर आज़म मुलाकातें भी कर रहे हैं। कल बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा समिट का सुबह 9 बजे कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर वज़ीर आज़म इफ्तिताही कलमात कहेंगे, जिसके बाद बाकी जो लीडर्स हैं वो अपनी तकारीर करेंगे, और उसके एंड पे वज़ीर आज़म इख्तितामी कलमात कहेंगे, और उसके साथ साथ तमाम जो लीडर्स हैं, जो मुत्तफ़िका इलामिया है और जो दस्तावेज तैयार की गई है उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, और उसके बाद ये जो समिट है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक इलामिया जारी किया जाएगा। जी अच्छा एहसास, जैसे कि आप बता रहे थे कि जब इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से फर्दन फर्दन तमाम मेहमानों का, तो सबकी नज़रें थी कि वज़ीर ख़ारिजा जो भारत के हैं उस वक्त क्या माहौल होगा, क्या हमने देखा तासुरात वज़ीर आज़म के भी और जयशंकर के भी, उसके बारे में बताइएगा। देखिए बहुत सारी नज़रें थीं, और ऐसा लग रहा था कि जयशंकर जो हैं वो बिल्कुल संजीदा रहेंगे, और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अपना संजीदा जो अंदाज है वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि माजी में 2023 में जयशंकर जो हैं भारत के वजीर खारजा वो बड़े संजीदा थे जब पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल उन्हें गोवा में मिले थे, लेकिन इस दफा बड़ा मुख्तलिफ हुआ। जयशंकर जब आए वजीर आजम खड़े थे, तो जयशंकर चलते हुए जब उनके पास गए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और ये बड़ी अनयूजल थी, और हमने देखा कि इनिशियली वजीर आजम शहबाज शरीफ भी सीरियस थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जयशंकर मुस्कुरा रहे हैं तो उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराहटों का जवाब मुस्कुराहटों से दिया, और फिर हमने देखा कि जयशंकर मुस्कुराते हुए वज़ीर आज़म से मिले, हल्की फुल्की चिट चैट हुई, और वहां पर तकरीबन 15 से 20 सेकंड दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसे यहां पर जो शुक्रिया आपका एहसास सैयद, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।